नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता। सत्ता में आज बात करेंगे हार्दिक पटेल की। कांग्रेस को अलविदा कह चुके पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के अब बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हैं। हालांकि अभी ना तो हार्दिक इस पर कुछ स्पष्ट कह पाए हैं और ना ही प्रदेश बीजेपी की ओर से कोई बड़ा बयान सामने आया है। इसी बीच बीजेपी का हिस्सा बन चुके पाटीदार नेताओं का कहना है कि हार्दिक पटेल को बीजेपी कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साफ है कि पाटीदार नेताओं ने ही हार्दिक पटेल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस छोड़ हार्दिक बीजेपी की राह पकड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी भी ताल लगाकर बैठी है। जानिए अब क्या बन रहे हैं समीकरण। राम भक्त हार्दिक पटेल ने छोड़ी पार्टी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पाटीदार नेता ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखे अपने पत्र इस्तीफे का पत्र ट्वीट करते हुए हार्दिक पटेल ने लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। कांग्रेसियों पर लगाया था खुद को किनारे करने का आरोप। हार्दिक पटेल लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे और लगातार राज्य के नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और उससे पहले हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा था कि वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और लगातार नेता उन्हें किनारे लगाने में जुटे हुए हैं। हार्दिक पटेल ने राज्य इकाई के नेताओं पर आरोप लगाया था कि वे चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। यही नहीं, उनका कहना था कि कांग्रेस राज्य में बेहद कमजोर है और चुनाव जीतने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आती। राम मंदिर और 370 का जिक्र कर भाजपा में जाने के लिए संकेत। कई महीने से हार्दिक पटेल के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जाती रही है। अपने इस्तीफे से हार्दिक पटेल ने इस बात से संकेत भी दिए है कि वे भाजपा में जा सकते हैं। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में राम मंदिर, CAA, आर्टिकल 370 और GST का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों का समाधान देश के लिए जरूरी था, लेकिन कांग्रेस लगातार इनमें बाधा बनती रही। उनकी इस टिप्पणी से यह माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि भारत हो, गुजरात हो या फिर मेरे पटेल समाज की बात हो, कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ केंद्र सरकार के विरोध का ही रहा है। कांग्रेस पर लगाया तिरस्कार का आरोप, कहा युवाओं के लिए है द्वेष। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा कि राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है कि वह जनता के लिए कुछ करता रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकी। इसलिए जब मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता था तो कांग्रेस ने सिर्फ मेरा तिरस्कार ही किया। मैंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के नेतृत्व हमारे प्रदेश, समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए इस प्रकार का द्वेष अपने मन में रखता है। बीजेपी में जाना चाहते हैं हार्दिक। स्पष्ट रूप से हार्दिक पटेल ने यह अभी तक नहीं स्वीकारा कि उनका अगला स्टॉप बीजेपी होगा, लेकिन कांग्रेस छोड़ते हुए राम मंदिर, CAA और धारा 370 का जिक्र करके उन्होंने संकेत तो दे ही दिए हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। हाल ही में हार्दिक पटेल ने सोशल मीडिया पर भगवा गमछा ओढ़े अपनी एक तस्वीर साझा की थी। उस वक्त भी अटकलें लग रही थी कि हार्दिक कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हार्दिक पटेल की एंट्री को स्वीकार करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता? बीजेपी नेता और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के पूर्व संयोजक वरुण पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हार्दिक पटेल के खिलाफ इतना संघर्ष किया है, यह सिर्फ दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं थी, हम पर व्यक्तिगत हमले हुए थे, इसलिए बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता हार्दिक पटेल का पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। वरुण पटेल ने आगे कहा कि हार्दिक पटेल के शामिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को कई लाभ नहीं है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, परिणाम स्वरूप हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना निर्णय व्यर्थ होगा। हालांकि यह पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निर्भर है कि वह क्या शामिल होंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हार्दिक पटेल को स्वीकार नहीं करेंगे। एक अन्य पाटीदार नेता चिराग पटेल ने भी हार्दिक पटेल के बीजेपी में एंट्री की बात की। चिराग भी कभी इस वक्त बीजेपी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं 2015 में आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल के साथ था, मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे और 7 महीने की कैद भी हुई। मैंने उस समय हार्दिक पटेल को चेतावनी दी थी कि यह पाटीदार आंदोलन है, राजनीतिक दल नहीं। वह कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठे थे और मैं उनसे बात कर रहे थे और सभी ने उनका विरोध भी किया था। समाज आंदोलन राजनीतिक नहीं हो, हम बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और वह कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी बीजेपी में उनके आने का नहीं सुना चिराग।
चिराग पटेल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला करेगा उसे स्वीकार करेंगे। मैंने अभी तक उन्हें बीजेपी में शामिल होने के बारे में कुछ नहीं सुना है। पाटीदार समाज अच्छी तरह से शिक्षित है और अपने फैसले खुद लेता है। वे निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते। पाटीदार समाज बीजेपी के सबसे अच्छी विकास पार्टी के रूप में पहचाना जाता है। नरेश पटेल की एंट्री के कयास ने लिखी हार्दिक पटेल के एग्जिट की पटकथा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को कोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और मजबूत पाटीदार नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस बात ने हार्दिक को खासा नाराज किया था। पीटीआई के अनुसार हार्दिक का मानना है कि नरेश ने कांग्रेस को आने में पाटीदार नेता के रूप में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। एजेंसी को अप्रैल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आपने 2017 में हार्दिक का इस्तेमाल किया, आप 2022 में नरेश भाई का उपयोग करना चाहते हैं और 2027 में दूसरे पाटीदार नेता का इस्तेमाल करेंगे। आप हार्दिक का समर्थन और उसके मजबूत क्यों नहीं करते? हार्दिक ने कहा था कि उन्हें नरेश भाई को लेना चाहिए, लेकिन क्या वे उनके साथ वैसा बर्ताव करेंगे जैसा मेरे साथ किया था? लंबे समय से नरेश पटेल को पार्टी में लाना चाहती है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर भी नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने की चर्चाओं को स्वीकार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नरेश पटेल का स्वागत करने के लिए तैयार है। फैसला नरेश पटेल को करना है। हमने पहले भी उनके साथ चर्चाएं की है और पार्टी में शामिल होने की अपील की है, लेकिन आखिरी फैसला केवल उनका ही होगा। इस पर हार्दिक ने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट किया कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजराती जनता की करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम से मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। खास बात है कि हार्दिक पटेल पहले भी पार्टी नेताओं पर परेशान करने का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी कार्रवाई नहीं करने की बात की थी। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि अब मुझे बुरा लगने लगा है। गुजरात कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ज्यादा दुख इसलिए है क्योंकि मैंने कई बार इस स्थिति के बारे में राहुल गांधी को बताया, लेकिन उनकी तरफ से गुजरात कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस में नहीं मिली तवज्जो। एक अरसे से अपना असंतोष प्रकट कर रहे हार्दिक पटेल ने अंततः गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से और साथ ही पार्टी के प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दे दिया है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की यह कांग्रेस नेतृत्व ही बेहतर बता सकता है, लेकिन यह वही हार्दिक पटेल है जिन्हें बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल किया गया था। उस समय उन्हें राहुल गांधी की टीम का एक मुख्य स्तंभ बताया गया था। हार्दिक पटेल राहुल की टीम के से पहले ऐसे सदस्य नहीं थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी हो। ऐसे नेताओं की एक लंबी सूची है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, आरपी सिंह आदि प्रमुख हैं। युवा नेताओं के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थाम नहीं रहा। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ी क्योंकि उन्हें अपमानित किया जा रहा था। आमतौर पर इन सब नेताओं की शिकायत यही रही कि कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार यहां उनका कोई सुनवाई नहीं होती। हार्दिक पटेल ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी संभाल रहे थे। उन्होंने पार्टी आलाकमान पर गुजरातियों से नफरत करने का आरोप भी लगाया था। अपने पत्र में हार्दिक ने चिकन सैंडविच का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के एक आला नेता ने चिकन सैंडविच के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को घनचक्कर बनाकर रखा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक का यूं जाना इसके शीर्ष नेतृत्व पर गुजरात और गुजरातियों से नफरत करने और गंभीरता से कभी कमी का आरोप लगाया था। हार्दिक ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर भी भविष्यवाणी तक कर डाली थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।